साथियों, इंसान आदतों का जोड़ है। अच्छी आदतें इंसान को ऊपर ले जाती हैं, बुरी नीचे गिराती हैं। इस फिलॉसफी को सभी जानते हैं, लेकिन बहुत बार अज्ञानता में हम कुछ ऐसी आदतें लगातार प्रैक्टिस करते चले जाते हैं जिन्हें हम अच्छी समझते हैं, मगर एज ए रिजल्ट वो हमारे अंदर अशांति और बाहर की दुनिया में केवल असफलता हासिल करती हैं। जिस आदत की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, की बहुत बार हम ऐसी आदत में पड़ जाते हैं कि एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में कम होती चली जाती है, सच का स्वीकार भाव हमारे जीवन में घटता चला जाता है, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन या सफाई बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में अशांति और द्वंद्व बढ़ता चला जाता है, हमारी इनर इमेज खराब हो जाती है, सेल्फ एस्टीम हमारी पुअर हो जाती है। माई डियर फ्रेंड, आप जीवन में हार गए हैं तो हारने को ही स्वीकार किया जा सकता है, आप जीवन में फेल हुए हैं तो फेल को स्वीकार किया जा सकता है, आप कहीं पहुंचने में लेट हो गए हैं तो लेट को स्वीकार किया जा सकता है, आपसे कोई बड़ी भूल हुई है या छोटी भूल हुई है तो आप भूल को स्वीकार कर सकते हैं, गलती हुई है तो गलती को मान सकते हैं। आप पूरा जीवन भी लगाएंगे आप जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या सफाई देने में, तो आप हार को जीत में, देर को सवेर में, भूल को सही में या गलती को आप सही नहीं कर पाएंगे। जो है आप उसे केवल स्वीकार कर पाएंगे। हम में से अधिकतर लोग इसी अभ्यास में, इसी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, अपने अंदर भी अशांति और द्वंद्व पैदा करते रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं, नेगेटिविटी रेडिएट करते रहते हैं, लोग डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं, बाहर भी असफलता मिलती है, अंदर भी अशांति मिलती है। माय डियर फ्रेंड, समझना होगा कि जो है उसे जल्दी से जल्दी स्वीकारा जा सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, यहीं से हमें ताकत मिलती है, यहीं से हमारे अंदर डिविनिटी या डिवाइन एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है, इसी से हमारी सेल्फ इमेज इम्प्रूव होती है, पॉजिटिविटी हम रेडिएट करने लगते हैं, लोग हमें एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करने लगते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो भी दोस्तों आज ट्रू लीडर्स हैं या महान लीडर्स हैं, उनकी महानता का कारण सिर्फ एक ही है कि वो बड़े से बड़ी गलती को, बड़ी से बड़ी हार को, बड़ी से बड़ी पराजय को, बड़े से बड़े अपने गुनाह या अपनी भूल को पब्लिकली वो स्वीकार करते थे, आज भी स्वीकार करते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। बड़े से बड़ा गुनहगार भी साथियों, यदि अपने गुनाह को स्वीकार कर लेता है तो लोग उसकी भी प्रशंसा करने लगते हैं। आप यदि अपने आप को आम से महान की लाइन में लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में साथियों अशांति को हटाकर शांति से भरना चाहते हैं, द्वंद्व को हटाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रेडिएट करना चाहते हैं, इनर इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ही इसका सीधा सा रास्ता है। सच को केवल और केवल स्वीकार किया जा सकता है, पूरा जीवन भी आप उस पर लगाएंगे तो झूठ को सच, हार को जीत में आप नहीं बदल पाएंगे। लेट हैं तो लेट हैं, इसको केवल स्वीकारा ही जा सकता है। विंस्टन चर्चिल, हु सर्वड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, अपने आप में टाइम पर पहुंचने में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे। एक बार कहीं पहुंचने में लेट हो गए, मीडिया ने उन्हें फॉलो किया, क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर चर्चिल, आज किसने आपको लेट कर दिया, आप जीवन में कभी लेट नहीं होते। उन्होंने सहजता से जवाब दिया, लेट चला था इसलिए आज मैं लेट हो गया। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सच को सहजता से स्वीकारेंगे, उतना ही आप महानता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले जाएंगे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में वो सच स्वीकारे जो आम आदमी अपने आप से कहते हुए डरता है, इसीलिए वो महात्मा गांधी हैं। जरूरत है साथियों कि आप जल्दी से जल्दी अपने सच को जीवन के स्वीकारते चले जाएं, जिम्मेदारी लेते चले जाएं, जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, आप पाएंगे कि डिविनिटी से भरने लगे, पॉजिटिविटी रेडिएट करने लगे, अंदर में भी शांति उतरने लगी, बाहर से भी लोग आपको कनेक्ट करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे, आपका जीवन बदलेगा। आप इसे अभ्यास करिएगा, आप छोटी छोटी बातों में, छोटी गलतियों में, छोटी भूल में आप इसकी शुरुआत करें। यदि हम शुरुआत छोटे में करेंगे तो बहुत आसान होगा, फिर आप बड़े में भी आप इसको कर पाएंगे। यदि छोटी गलतियों में, छोटी बातों में, छोटी हार में, छोटी भूल में आप सफाई, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देंगे तो बड़ी गलतियाँ, बड़ी भूल, बड़ी हार में आप बड़ी सफाई और जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ढूंढते रहेंगे साथियों, अपने अंदर से लड़ते रहेंगे, अंदर की अशांति और बाहर की हार जीवन की आपकी कभी खत्म नहीं होगी।
आज आप छोटे से अभ्यास करें, ये छोटे से अभ्यास लगातार आपको बड़े में भी करने का, स्वीकार भाव करने का, सच को एक्सेप्ट करने की ताकत देगा। आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप इसे 90 डेज के चैलेंज की तरह से लेकर के चलें। आपके जीवन में नई हैबिट्स, नई पैटर्न्स डेवलप होंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।